Open Gangnam Style. I'm in love with the shape of you. हेलो गाइस, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राज और आज हम लेके आए हैं टॉप 10 यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सॉन्ग। ये ऐसे टॉप 10 सॉन्ग है जिसने यूट्यूब पर हंगामा मचा दिया है और दर्शकों ने इस सभी सॉन्ग को काफी पसंद किया है। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि बिलियनों में इसका व्यू है। तो चलिए जानते हैं कि इन टॉप 10 में कौन कौन से सॉन्ग है। अगर आपने ये सॉन्ग नहीं देखे तो इन सभी सॉन्ग के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। और एक बात, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। इन सभी सॉन्ग को हमने उनके व्यू के हिसाब से टॉप 10 सीरीज बनाई है। तो चलिए जानते हैं कि टॉप 10 में कौन कौन से सॉन्ग ने एंट्री मारी है और कितने व्यू के साथ। नंबर 1 पे है बेबी शार्क डांस। ये सॉन्ग 18 जून 2016 में रिलीज हुआ था, जो अब तक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला यूट्यूब सॉन्ग बन गया है। बेबी शार्क पिंक फ्रॉग ने बनाया है, जो एक चिल्ड्रन सॉन्ग है। यही सॉन्ग है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और 10 बिलियन का आंकड़ा पार किया है। ये सॉन्ग 2016 में रिलीज किया गया था, पर यह सॉन्ग 2017 में वायरल हुआ और 21 दिसंबर 2020 को देशवासितों की साइट काट के नंबर 1 पे अपना स्थान बना लिया है। अब तक ये सॉन्ग 10.8 बिलियन व्यू के साथ नंबर 1 पे अपना स्थान बनाए हुए आज भी हाजिर है। इसके बाद नंबर 2 पे है देशवासितो। देशवासितो सॉन्ग को आज कौन नहीं जानता। ये एक स्पेनिश एल्बम सॉन्ग है जो 12 जनवरी 2017 को रिलीज हुआ था। इस सॉन्ग को लुई फोंसी, एरिका एंडर, डेडी याकी ने मिलकर गाया गया है। इस सॉन्ग ने सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए थे और आज भी देशवासितो को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, बेस्ट अर्बन परफॉर्मेंस और बेस्ट शॉर्ट फॉर्म म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड में रिवॉर्ड मिल चुका है। 20 फरवरी 2022 तक इस सॉन्ग पर करीबन 7.7 बिलियन व्यू आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। अगर आपने ये सॉन्ग नहीं सुना तो आप जाइए और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके एक बार जरूर सुन लीजिए, आपको भी बहुत मजा आएगा। इसके बाद नंबर 3 पे है जॉनी जॉनी यस पापा। ये एक किड्स सॉन्ग है जो अमेरिकन स्कॉलर और प्रोफेसर फ्रेंसलिया बटलर ने नर्सरी थीम रिकॉर्ड किया था, जिसे 1980 में केन्या में रिलीज किया गया था। इसके बाद इस सॉन्ग को कई बड़े बड़े कलाकारों ने अपने वॉइस में रिकॉर्ड किया है। इस सॉन्ग ने अब तक 6.16 बिलियन व्यू के साथ दुनिया के टॉप 10 सॉन्ग में नंबर 3 पे अपना स्थान बना लिया है। इसके बाद नंबर 4 पे है शेफ ऑफ यू। ये सॉन्ग 6 जनवरी 2017 को रिलीज हुआ था। ये सॉन्ग इडी शेरिन और जॉनी ने मिलकर ये सॉन्ग रॉकस्टोन लंदन के एक स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था और इस सॉन्ग के रिलीज होते ही इस सॉन्ग ने हंगामा मचा दिया था और फैंस को काफी इम्प्रेस किया था। शायद आपने ये गाना जरूर सुना होगा। इसके बाद नंबर 5 पे है सी यू अगेन। ये एल्बम सॉन्ग 28 जून 2015 को रिलीज हुआ था। इस सॉन्ग को चार्ली पुन के साथ विज खलीफा ने बनाया है। अब तक इस सॉन्ग को ग्रीमी अवार्ड ऑफ द ईयर सॉन्ग भी मिल चुका है और अब तक यूट्यूब पर इस सॉन्ग को 5.4 बिलियन व्यू के साथ टॉप 10 के नंबर 5 पे अपना स्थान दर्ज कर लिया है। इसके बाद नंबर 6 पे है बात सॉन्ग। ये सॉन्ग भी किड्स सॉन्ग है। ये सॉन्ग कोको मेलन नर्सरी रिथम ने 4 जून 2018 को रिलीज किया था। किड्स का फेवरेट सॉन्ग बन गया है, जिसके कारण आज ये वर्ल्ड के टॉप 10 सॉन्ग में शामिल हो गया है। इस सॉन्ग ने अब तक यूट्यूब पर 5.9 बिलियन व्यू के साथ टॉप 10 की सीरीज में नंबर 6 पे अपना स्थान बना लिया है। अगर आपने ये सॉन्ग नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद नंबर 7 पे है अपटाउन फंक। ये सॉन्ग एल्बम अपटाउन फंक सॉन्ग का ही है, जो 10 नवंबर 2014 को रिलीज हुआ था। इस सॉन्ग को अब तक ग्रीम अवार्ड ऑफ द ईयर ब्रिटेन पुरस्कार भी मिल चुका है और इस सॉन्ग को अब तक यूट्यूब पर 4.4 बिलियन व्यू के साथ वर्ल्ड की टॉप 10 सॉन्ग की लिस्ट में नंबर 7 पे अपना स्थान बना लिया है। इसके बाद नंबर 8 पे गन्नम स्टाइल। ये सॉन्ग को किसे नहीं पता होगा। जब ये सॉन्ग रिलीज हुआ था तो इस सॉन्ग ने हंगामा मचा दिया था। इस सॉन्ग के डांस स्टेप और इस सॉन्ग के स्टाइल ने लोगों को काफी इम्प्रेस किया था। ये सॉन्ग साउथ कोरियन सॉन्ग है, जो 15 जुलाई 2012 को रिलीज हुआ था। इसे पार्क जय सांग, पुन गुन ह्यूंग ने मिलके बनाया है और गाया भी है। 2012 में इस सॉन्ग को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सॉन्ग घोषित किया गया था और इस सॉन्ग ने बहुत सारे रिवॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं।
अब तक इस सॉन्ग को 4.3 बिलियन व्यू के साथ वर्ल्ड की टॉप 10 सॉन्ग की लिस्ट में नंबर 8 पे अपना स्थान बना लिया है। इसके बाद नंबर 9 पे है सुगर। ये एक एल्बम सॉन्ग है जो 13 जनवरी 2015 को रिलीज हुआ था और दर्शकों ने काफी इस सॉन्ग को पसंद किया है और आज भी फैंस का ये फेवरेट सॉन्ग भी है। इस सॉन्ग को माइकल पॉन्सर, एडम लिविन, जोशुआ कोलमैन ने बनाया है। इस सॉन्ग को बेस्ट पॉप सॉन्ग, बेस्ट ग्रुप परफॉर्मेंस और 58th जर्मनी अवार्ड भी मिल चुका है। अब तक इस सॉन्ग को 3.6 बिलियन व्यू के साथ वर्ल्ड की टॉप 10 सॉन्ग की लिस्ट में नंबर 9 पे अपना स्थान बना लिया है। और आखिरी नंबर 10 पे दो सॉन्ग टाई पे है, एक तो सॉरी फॉर जस्टिन बीबर और रॉर केटी पेरी। ये दोनों सॉन्ग ही काफी फेमस है और इस सॉन्ग को किसने नहीं सुना होगा। इन दोनों सॉन्ग ने अब तक यूट्यूब पर 3.5 बिलियन व्यू के साथ वर्ल्ड की टॉप 10 सॉन्ग की लिस्ट में नंबर 10 पे ये दोनों सॉन्ग अपना स्थान बनाए हुए है। अगर आपने ये सॉन्ग नहीं सुने तो एक बार जरूर सुनिए और आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमें कमेंट करके बताइए कि आपका इनमें से कौन सा फेवरेट सॉन्ग है। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।